સુરતના જહાંગીરબાદ સ્થિત શાળા ધી રેડિયન્ટ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓએ NEET માં અભૂતપૂર્વ દેખાવ કરીને સર્વોત્તમ પરિણામ મેળવેલ છે. કુલ 50 વિદ્યાર્થી દ્વારા પરીક્ષા આપી હતી અને આ તમામ વિદ્યાર્થીઓ સફળતા પ્રાપ્ત કરી શાળાને પોતાના માતા પિતાનું નામ રોશન કર્યું હતું. શાળાના 6 વિદ્યાર્થી 450થી પણ વધુ સ્કોર કરી મેડિકલ ક્ષેત્રે પોતાનું ઉજ્જવલ ભવિષ્ય લક્ષ્યાંકિત કર્યું હતું. શાળાનો વિદ્યાર્થી મોહમ્મદ તૌફિક 720માંથી 634 સ્કોર મેળવ્યો હતો. તે જ પ્રમાણે ફ્રેઝ ઉસ્માનીએ 720માંથી 629 સ્કોર કર્યો હતો. આ ઉપરાંત આ સાથે અન્ય 4 વિદ્યાર્થીઓ 500 સ્કોરથી વધુ સ્કોર મેળવેલ છે. આ તમામ વિદ્યાર્થી મેડિકલ ક્ષેત્ર વધુ સારી પ્રગતિ સાંધી સમાજને મદદરૂપ થવાની પ્રતિજ્ઞા લઈ શાળાના તમામ શિક્ષકોના આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા. મેં રેડિયન્ટ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ કા સ્ટુડન્ટ હું. મેને નીટ મેં 629 માર્ક્સ સ્કોર કિયા હૈ ઓર ઇસ સારા ઉપલબ્ધિ કા મેં શ્રેય સ્કૂલ કે ટીચર્સ ઓર પ્રિન્સિપલ સર કો દેના ચાહતા હું. બેટા આપને પૂરે સાલ નીટ કી તૈયારી કિસ તરહ સે કી ઓર સ્કૂલ કે ટીચર્સ ને આપકો કિસ તરહ સે મદદ કી? स्कूल में डाउट सॉल्विंग क्लासेस होते थे और सही गाइडेंस मिलता था, इस वजह से मैं क्लियर कर पाया हूँ नीट. नीट में आपने जो इतना अच्छे मार्क्स आपने लिए हैं, आप इसका श्रेय किसको देना चाहोगे? स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल सर और स्टाफ को देना चाहता हूँ. आपने पूरे साल ये कितने नीट के लिए कितने घंटे पढ़ाई की और किस तरह से आपने प्रिपेरेशन करके इतने मार्क्स आप लाए? स्कूल के अलावा सेल्फ स्टडी 3-4 घंटे बस डेली का. आप दूसरे बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे? हार्ड वर्क करते रहना चाहिए और रिजल्ट लास्ट में मिल जाएगा. रेडियंट स्कूल दूसरे स्कूलों से अलग क्यों है? इधर के स्टाफ स्पेशली बच्चों पे अलग इंडिविजुअली ध्यान देते हैं और उनको प्रोग्रेस करवाते हैं. आज हमने नीट का रिजल्ट आया उसमें मेरे 625 बन गए हैं और इसके लिए मैं इस स्कूल के पूरे स्टाफ और टीचर्स के बहुत शुक्रमंद हूँ क्योंकि उन्होंने हर एक मोड़ पे मेरा साथ दिया है, हर एक जगह पे मुझे सही गाइडेंस दी हुई है, इसलिए मैं स्कूल के प्रिंसिपल स्टाफ के लिए बहुत शुक्रमंद हूँ. नीट में ज़्यादातर बच्चे एग्ज़ाम्स के लिए डर जाते हैं, आपने इतने अच्छे मार्क्स आप लाए, किस तरह से आपने इतनी हिम्मत जुटाई और इतने अच्छे मार्क्स लाए? मुझे बैक सपोर्ट बहुत मिला है स्कूल की तरफ से. जब भी मेरे पैर ऐसे दगमगा गए तब उन्होंने हर वेज मोटिवेट किया हुआ है, तो स्कूल की वजह से मुझे बहुत बैक सपोर्ट मिला है क्योंकि ऐसे बहुत मोड आए थे जब मैंने गिव अप करने का सोचा था, लेकिन उस टाइम पे भी इन्होंने साथ दिया था और विश्वास रखा था कि तू कर सकती है. आप कितने घंटे पढ़ाई करती थी और किस तरह से पढ़ाई करती थी वो भी हमें बताइए. मेरे ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं होता था, लेकिन मोस्टली जो असाइनमेंट्स होते हैं वो सब टाइम पे कंप्लीट करो तो हमारे ऑटोमेटिक 5-6 आवर्स हो ही जाते हैं हर रोज़ के. रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल में आप कितने सालों से पढ़ रही है और दूसरी जगह से ये स्कूल किस तरह से अलग है? मैंने 11th में रेडियंट में एडमिशन लिया था और ये स्कूल बहुत मोटिवेट करती है आपको, हर एक स्टूडेंट पे स्पेसिफिक ध्यान देते हैं. अगर आप कहीं पे लैग कर रहे हो तो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे लैग कर रहे हो और पेशेंस आपको समझाते हैं और आपको सही राह दिखाते हैं. आप दूसरे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कि कभी गिव अप मत करो, आपको सेल्फ डाउट होगा अपने पे, लेकिन आप टीचर्स की हेल्प लो, उनसे बात करो, उनसे कांटेक्ट करोगे तो आपका सेल्फ डाउट भी क्लियर हो जाएगा. गिव अप नहीं करना चाहिए, लास्ट मोमेंट तक फाइट करनी पड़ती है. अभी जो नीट का रिजल्ट आया है उसमें हमारे स्कूल ने मैक्सिमम स्टूडेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जिसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो है वो 635 है. 720 में से 635 मोहम्मद तौफिक ने गेन किए हैं. सर, नीट का इतना अच्छा रिजल्ट आया, किस प्रकार से आप बच्चों को तैयारी करवाते थे, कितनी मुश्किलें होती है और इतना अच्छा रिजल्ट पाया है, आपने क्या फील कर रहे हो? बहुत अच्छा मैं फील कर रहा हूँ क्योंकि हमारे सारे बच्चों ने बहुत मेहनत की है. हम हर टाइम पर उनको अलग अलग टाइप से टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते थे, DP भी प्रोवाइड करते थे ताकि उनका एक कंसिस्टेंट ग्रोथ होता रहे. और लास्ट मोमेंट पर भी जब बोर्ड का एग्ज़ाम फिनिश हो गया था उसके बाद भी नीट की हमने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन उनको करवाई थी. मैं हमारे मैनेजमेंट को, हमारे प्रिंसिपल सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने हर समय पर जो भी रिसोर्सेज हमें चाहिए थे, जितना भी हमें स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज वगैरह चाहिए था, हर टाइम पर उन्होंने हमको प्रोवाइड किया. किस तरह से रेडियंट स्कूल दूसरों से अलग है वो हमें बताइए.
हम यहाँ पर केवल बोर्ड की प्रिपरेशन ही नहीं करवाते हैं, जो CBSE बोर्ड इसकी ही प्रिपरेशन नहीं होती है, हम जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है उसकी भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवाते हैं। और यहाँ पर आप उनका रिज़ल्ट भी देख सकते हैं कि बोर्ड में भी हमने बहुत अच्छा रिज़ल्ट लिया था और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नीट में और JEE में भी हमने बहुत अच्छा रिज़ल्ट लिया। सर, आप स्कूल में बच्चों को पढ़ाई के अलावा अदर एक्टिविटीज़ में भी बच्चे किस तरह से आगे, वो भी हमें बताइए। यहाँ पर अदर एक्टिविटी जैसे कि रोबोटिक्स की वर्कशॉप है और हमारा साइंस एक्टिविटी में भी बहुत सारे हम मॉडल अलग अलग बनाते हैं, जिससे बच्चों को केवल और केवल थ्योरेटिकली नॉलेज नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिले ताकि वो रियल लाइफ में उसको यूज़ कर सकें। हमारी बहुत सारी यहाँ पर लैब है जिसमें अलग अलग केवल जो बोर्ड लेवल पे फिजिक्स लैब है, केमिस्ट्री लैब है, मैथमेटिक्स, वही नहीं अदर एक्टिविटीज़ के लिए भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के लैब हमने यहाँ पर प्रोवाइड। શાળાએ આગળના બધા રેકોર્ડ તોડીને મોટી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી તે બદલ શાળાના મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી કિશનભાઈ માંગુકિયા, ડાયરેક્ટર શ્રી આશીષભાઈ વાઘાણી અને શાળા આચાર્ય શ્રી તુષાર પરમાર અને ધર્મેશભાઈ જોશી દ્વારા વિદ્યાર્થી વાલી મિત્રો તથા શિક્ષકગણને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવેલ છે તથા વિદ્યાર્થીઓ જીવનમાં બીજી ઘણી સિદ્ધિઓ હાંસલ કરે તેવી પ્રેરણા આપવામાં આવેલ છે। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंटवी न्यूज़, सूरत।